क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या होता है, पहले बच्चा क्या आता था कि सुबह स्कूल जाता था, शाम को कोचिंग में आता था, पूरा का पूरा उसका दौड़ भाग में निकल जाता था। लेकिन अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम में आने से क्या हो रहा है कि 8 to 2:30 में बच्चे का कंप्लीट स्कूलिंग, कोचिंग, प्रैक्टिकल, सारा चीज खत्म हो जाता है और बच्चे को 2:30 के बाद का सारा टाइम बच्चे को अपने खुद के ऊपर वर्क करने को मिलता है। और खुद के ऊपर वर्क करने का मेरे दो बातें हैं, खुद के ऊपर वर्क, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर की वर्क की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं। आजकल हेल्थ प्रॉब्लम भी बच्चों को बहुत होने लग गई है, तो खुद के ऊपर वर्क मतलब दो तरह के वर्क, बच्चा अपने एकेडमिक्स में भी वर्क कर सक कर पाएगा और बच्चा 1 से 1.5 घंटा अपने खुद का जो हॉबीज है, जो उसको अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग, किसी को म्यूजिक, किसी को खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट, बैडमिंटन या व्हाटएवर गेम, स्विमिंग, तो वो बच्चा अपना पर्सनल एक्टिविटी को भी टाइम दे सकता है। बिल्कुल, माइंड बैलेंसिंग के साथ साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी बैलेंसिंग भी जरूरी है। तो मेरा बच्चे का खुद के ऊपर काम करने के पीछे दो बातें थी कि वो अपने माइंड के ऊपर भी वर्क कर पाएगा, मतलब अपने एकेडमिक्स में जो उसको 8 to 2:30 तक पढ़ाया उसका सेल्फ स्टडी, उसका सारा होमवर्क, सारा असाइनमेंट सब कर पाएगा, साथ में एडिशनली वो 1 से 1.5 घंटा अपने पर्सनल जो भी उसको अच्छा लगता है, अपने पर्सनल फिटनेस के ऊपर, पर्सनल हॉबीज के ऊपर वो टाइम दे पाएगा।